भूतों का गांव बोलते हैं। दूर दूर तक यार देखने वाला कोई भी इंसान नहीं है अभी यहाँ पर। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जयपुर व्लॉग्स में। और गाइस ये एपिसोड थर्ड एपिसोड है और अभी हम जा रहे हैं जैसलमेर, जो हमारा होटल था जहाँ पर हमने चेक इन किया था वहाँ से अभी चेकआउट करेंगे और अभी हम जाएंगे कुलदरा। वहाँ पर यार एक गाँव है तो उस गाँव को अपने को कवर करना है, तो आज अपन वहाँ जा रहे हैं और उस गांव की यार जो हिस्ट्री होगी वो मैं आपको अभी वहाँ पहुँचने के बाद बताऊँगा कि क्या हिस्ट्री है उसकी और गांव की। और यार हिस्ट्री जो उसकी वो बहुत शानदार हिस्ट्री है, अगर आप सुनोगे तो यार आप भी यार मतलब बोलोगे यार क्या मतलब बहुत बढ़िया वाली हिस्ट्री है उसकी। तो यार गाइस चलो जल्दी से चलते हैं और यहाँ से पहले होटल से चेकआउट करते हैं, उसके बाद मैं आपसे डायरेक्ट मिलता हूँ गाँव में, और हो सका तो यार मैं पहले ही आपसे बाइक में मिल जाऊँगा। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आगे बहुत ही ज़्यादा पास में है, यानी कि मैप में अगर अपन देखते हैं तो 8.9 किलोमीटर बता रहा है। और यार अभी एक अंकल जी से बात हुई थी यार, वो बोल रहे हैं यार आगे कुलदरा का जो रास्ता है ना यार वो बहुत ज़्यादा गंदा है, अगर आप यहाँ से जाते हो तो मुश्किल से आप शाम तक पहुँचोगे। तो यार एक बार चल के देखते हैं यार क्या रास्ता वगैरह है, अगर गाड़ी अगर जा पाती है तो गाड़ी से चलते हैं, नहीं तो फिर यार दूसरा रूट है जो अपने सिटी से होके जाता है तो फिर वहाँ से ही निकलना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं यार रूट वगैरह कैसा है वहाँ का। और बाकी तो यार रोड आप देख सकते हो कैसी है, ऊपर खाबड़ रोड है। और भाई उम्मीद तो वैसे बहुत कम है जाने की क्योंकि रेती वगैरह है पूरी, तो चल के देख लेते हैं एक बार। यहाँ तो टोटली ऑफ रोडिंग है। तो ये यार गाइस छोटा सा यार एक गांव है, यहाँ पे बकरी वगैरह चराने के लिए आते हैं लोग। और लोकेशन तो यार वैसे ठीक ठाक है, बट यार जो रोड है ना यार वो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग पे है, तो आगे यार मे भी शायद और भी ज़्यादा रेत होगी, आई डोंट नो, वो तो चल के एक बार देखना पड़ेगा कैसा रोड वगैरह है क्या है। और अभी 8.2 किलोमीटर बचा है, चल के देखते हैं यार। लोकेशन भी आप देख सकते हैं यार, वैसे लोकेशन तो शानदार है पर यार रोड थोड़ा सा ख़राब है यहाँ पे, यानी कि यार ऑफ रोडिंग का ही मज़ा लेना पड़ेगा। कोई ना यार अभी इतना आगे आ ही गए हैं इधर, तो पूरा ही करके चलेंगे यार, क्योंकि यार यू टर्न लेने का तो नाम ही नहीं बनता यार अपने तो। वैसे तो ठीक है यार, जिस हिसाब से अंकल जी बता रहे थे उस हिसाब से रोड तो है नहीं इतना कि शाम तक पहुंच पाएंगे, हालांकि यार चल रही है गाड़ी जब तक चल रही है। अब आगे चल के देखते हैं, मैं भी शायद हो सकता है यार आगे जाके पूरा रेगिस्तान हो, तो उसका तो हमको भी आइडिया नहीं है यार, वो तो आगे जाने के बाद ही पता पड़ेगा।
गाइस अभी हम यहाँ पर रुके थे यार लोकेशन कवर करने के लिए। आप लोकेशन देख सकते हैं यार, क्या शानदार लोकेशन है। दूर दूर तक यार देखने वाला कोई भी इंसान नहीं है अभी यहाँ पर। और धूप भी यार मतलब तीखी वाली धूप नहीं है, नॉर्मल धूप है। और अभी जो रूट है पर वो 7.2 किलोमीटर बचा है। बाकी यार अभी आगे चल के देखते हैं क्या सीन है। देखिए यार काफ़ी यार ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार इस रूट पे। अभी तक तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था रूट पे। और जीत भैया बोल रहे हैं यार कमल चाहे शाम को 6 बज जाए लेकिन चलेंगे तो इसी रूट से ही। तो यार अब फाइनली अब दिमाग में बिठा दिया कि यार यही रूट चाहिए तो मतलब चाहिए, चाहे भले ही शाम हो जाए कोई इशू नहीं है। पर चलना तो अब इसी रूट से ही है यार, क्योंकि यार अब इतना आगे आ गए हैं तो यार पीछे जाने का यार मतलब नहीं बनता। यहाँ तो यार दूर दूर तक देख लो यार कुछ भी नहीं है यार, पूरा का पूरा यार सुनसान इलाका है। तो यार अगर आप जैसलमेर में अगर आप इस जगह पे आओ तो यार रात को मत आना, मैं पहले इन्फॉर्म कर दूँ, क्योंकि यहाँ यार दूर दूर तक कुछ भी नहीं है यार, कोई भी नहीं है। अगर बाई चांस आप गाड़ी वगैरह पे आते हैं, अगर आपकी गाड़ी वगैरह ख़राब हो जाती है यानी कि टू व्हीलर वगैरह, तो यार बिल्कुल भी मत आना यार, क्योंकि यहाँ हेल्प करने के लिए आपको कोई भी नहीं मिलने वाला, दूर दूर तक नहीं है। वैसे तो यार मैंने जीत भैया को बोला था यार रात की चलने की, बट यार मुझे सही हुआ कि हम रात को नहीं है, क्योंकि अगर हम रात को आते और बाई चांस ऊपर नीचे कोई दिक्कत हो जाती तो भाई ज़िंदगी ख़राब हो जाती पूरी। क्योंकि यार सॉल्यूशन जब तक नहीं मिलता ना यार तब तक परेशानी होते रहते पूरे टाइम। गाइस यहाँ पर तो यार पूरा ऐसा ही रोड है यार और ऐसे ही रूट है। तो यार मैं डायरेक्ट मिलता हूँ आपसे कुलदरा गांव में। गाइस यार हम फाइनली कुलदरा आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यार ये हमारा एंट्रेंस है, हम यहाँ से एंटर करेंगे कुलदरा के लिए। तो अंदर चल के देखते हैं यार क्या खास बात है इसकी, कि इसको भूतों का गाँव बोलते हैं। तो उसकी यार पूरी हिस्ट्री है वो अपन अंदर चल के मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कि क्या सीन है। तो अभी तो पहले चलते हैं अपन अंदर और देखते हैं क्या हिस्ट्री है इसकी गांव की। अंदर एंटर हो चुके हैं और यार अगर अपन अंदर एंटर होते हैं तो यार यहाँ पे टिकट लगती है 50 रुपये गाड़ी की है और 20 रुपये पर पर्सन। तो वैसे यार अंकल जी बहुत अच्छे थे, हमसे 50 रुपीज़ ही लिए, मतलब तीनों चीज़ों के यानी कि गाड़ियों के और जीत के और मेरे। तो यार अब बाकी अंदर चल के देखते हैं यार मतलब क्या खास बात है इस गाँव की ऐसी, कि एक तो यार यहाँ पे टिकट भी लगती है प्लस बहुत दूर दूर से यार इस गांव के लिए आते हैं। और देखते हैं अंदर चल के इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे घर वगैरह बने हुए और कैसा यार गांव जो है वो पहले बसा हुआ था किसी टाइम पे, और ऐसा क्या हुआ कि रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। तो आज इसकी हिस्ट्री अपन जानते हैं अंदर चल के, मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊँगा, पहले आपको इस गाँव का लुक दिखाऊँगा क्या कि कैसा गाँव वगैरह पूरा बसा हुआ था पहले और ऐसा क्या हुआ एंड में कि पूरा गाँव रातों रात खाली हो गया। वैसे जो इसकी हिस्ट्री है ना यार वो बहुत शानदार हिस्ट्री है, आप सुनोगे तो आप भी बोलोगे यार वाक्य में यार कुछ बहुत बड़ा यार दबदबा था, इस चक्कर में जो गांव है वो पूरा रातों रात खाली हो गया। आप देख सकते हैं यार ऐसे इस टाइप के यार, ये पहले के ही बने हुए हैं, अभी के नहीं बने हुए, बहुत टाइम पहले के बने हुए हैं। और ये आप पूरी देख सकते हैं भाई ये गाँव पहले की, मतलब जो गायें वगैरह हैं वो पहले की नहीं है, वो अभी की हैं। तो आप ये मत सोचना कि ये गायें भी पहले से रह रही हैं यहाँ पे, नहीं ये अभी की गायें हैं जो भी। बाकी यार ये लुक वगैरह है इस गांव का, यहाँ पे किसी टाइम पे यार आज से बहुत साल पहले यार लोग रहते थे। वैसे यार इस जगह को है ना भूतिया इलाके के नाम से भी जाना जाता है,
क्योंकि यार जब गांव खाली हुआ था तो आसपास के गांव वालों ने बोल दिया था कि यार यहाँ पे भूत वगैरह का साया वगैरह है, तो इस चक्कर में फिर इसका नाम जो है वो भूतिया विलेज पड़ गया। तब से जब से यार पूरा गांव खाली हुआ है ना, तब से ऐसे ही पड़ा है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। बाकी ये टूरिस्ट हैं यहाँ पे घूमने वगैरह के लिए आए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और गाइस ये मंदिर है, ये जब से गांव बसा था यहाँ पे तब से यार ये मंदिर बना हुआ है, तो मे भी शायद यार तब से ये चालू है। तो अभी अपन चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं, और यहाँ पे शायद शूटिंग वगैरह हो रही है। यार गाइस ये लोकेशन है और अभी हम खड़े हैं ऊपर, आप लोकेशन देख सकते हैं यार क्या लोकेशन आ रही है। यानी कि यार मतलब गर्मी होने के बाद भी यार मतलब इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है, मतलब महसूस ही नहीं हो रहा कि गर्मी के मौसम में आए हैं हम। और दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक आप देखोगे आपको यार ऐसे टूटे हुए घर ही मिलेंगे, बाकी थोड़े बहुत घर जो हैं वो सही हैं, क्लेस वगैरह जो हैं स्पेस वगैरह हैं। बाकी यार दूर दूर तक आप देखो जैसे कि यार वो हैं पूरा बाउंड्री वगैरह खड़ी हैं, और ये अपने जीत भैया। तो जीत भैया क्या हाल है? तो जीत भैया के बढ़िया हाल है। तो ये सीन है यार यहाँ का पूरे गांव का, और पूरे गांव में ना यार दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, पूरा सुनसान पड़ा है, और प्लस वहाँ पे बाउंड्री लगा दी है जैसे कि कोई उधर से अंदर नहीं आ पाए। और उसका जो एंट्रेंस है वो सिर्फ एक ही है जहाँ से हम लोग आए थे, अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो तो आगे आपने देखा होगा। और ये एक मंदिर है, मंदिर आप देख सकते हैं किस टाइप का है, अभी इसके नीचे भी है लेकिन यार वो प्रॉपर मंदिर नहीं है, अब पहले मंदिर था, बाकी एक बार अंदर चल के देखेंगे। और ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके बैक साइड का है, तो ये NDTV वाले हैं, इन्होंने कुछ शूट्स वगैरह किया है। तो ये सीन है पूरा, आप देख सकते हैं दूर दूर तक पूरी ज़मीन खाली खाली पड़ी है, पूरे किले टाइप में बने हुए पूरा गल है। और यार ये मैं आपको बता दूँ किस तरीके से बनाया हुआ है, तो सीन ये कि यार इसके नीचे है ना बली फंटे जो होते हैं वो लगे हुए हैं, और ऊपर पट्टियाँ लगी हुई है, तो एक ये भी यार थोड़ा सा सेफ है पर थोड़ा सा डेंजर भी है क्योंकि बहुत टाइम पुरानी है। तो ये है यहाँ की लोकेशन, बाकी मैं नीचे चल के आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताता हूँ कि क्या है इस मेन खास इस इसके अंदर विलेज के अंदर। तो गाइस यार अब इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ इस गांव की क्या थी। यहाँ के एक राजा थे जिनका बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे दबदबा था, इनका नाम था सलीम सिंह। तो यहाँ मैं यार यहाँ पे है ना गांव के अंदर उनको एक लड़की पसंद आ गई थी पालीवाल ब्राह्मण की। तो ये जो बात है ना यार वो मैं आपको 19 सीरीज की बता रहा हूँ, तो उसके अंदर सीन था कि राजा को लड़की पसंद आ गई, तो उन्होंने ना गांव वालों को बोला कि यार या तो मुझे लड़के से शादी करवा दो नहीं तो उस लड़की को मैं उठा के ले जाऊँगा। तो उन्होंने या पालीवाल समाज वालों ने सोचा कि यार मर्यादा के चक्कर में बदनामी वगैरह कारण इस चक्कर में उन्होंने अपनी मर्यादा को देखते हुए उन्होंने पूरा जो गांव है वो रातों रात खाली कर दिया। और यार अभी तक यार उनका है ना मतलब नामो निशान नहीं है कि यार वो कहाँ रह रहे हैं, कुछ भी अता पता नहीं है क्या सीन था, पूरा गाँव खाली होके कहाँ गया। तो गाइस ये थी इस गाँव की हिस्ट्री, तो इसको अपन यहीं कर देते इस एपिसोड को एंड। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, और पास से बेल आइकन आ रहा है उसको दबाओ जैसे मेरी आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कैसे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, सेफ ड्राइव सेफ राइड एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट। बाय।